ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले वाला परिवेश आप देख सकते हो, इसमें हम जो हमारे रिमेनिंग जो टर्म बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने लिया पहला लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? जिस तरह आप किसी उधार पैसा मांगते हो फिर वो आपको चुकाना पड़ेगा, जब तक उसे पैसे नहीं दोगे तो वो आपके लायबिलिटी है, इधर कर्ज है आप पे। सेम हालात इंटरप्राइज के होते हैं, वो जब पैसा लेता है किसी से उधार काम करने के लिए या कोई माल उधार पे खरीदता है या बैंक से लोन लेता है तो वो उसके लिए भी लायबिलिटी है। तो क्या है लायबिलिटी? क्या इट इज अमाउंट, इट इज एन अमाउंट ओड, ओड मतलब पेबल, जो उसने लिया है उसे चुकाया नहीं, तरह से चुका देगा तो लायबिलिटी खत्म, नहीं चुकाया है तभी तो लायबिलिटी है। ओड बाय इंटरप्राइज, इंटरप्राइजेस या इंटरप्राइज, तो ये जो लायबिलिटी वो होती है जो कंपनी या इंटरप्राइज जो पैसा काम करने के लिए अमाउंट लेती है और उसे चुकाया नहीं, अब इस पे लायबिलिटी है, बाद में से चुकाना है। तो लायबिलिटीज के बाद देखते हैं, लायबिलिटी हमारे दो तरह की लायबिलिटी होती है। एक जो लायबिलिटी होती है जो उसके ऑन, एक तो इंटरप्राइज पैसा कहाँ से आ सकता है, ये सोचो इंटरप्राइज उधार में सामान कहाँ से ले सकता है, या तो अपने मालिक से ले सकता है जिसने उसे बनाया या आउटसाइडर से। जब ये अपने मालिक से लेता है तो उसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और जब बाहर वालों से लेता है तो बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो हमारी लायबिलिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, देर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। कौन सी होती है? देर आर, डायग्राम में से बनाते हैं जो आसानी समझ में आता है। लायबिलिटी जो होती है हमारी ये दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को बोलते हैं कैपिटल, क्या और कैपिटल क्यों? क्योंकि मालिक का पैसा होता है, ये होता है ऑनर का पैसा, जो ऑनर कंपनी में पैसा लगाता है उसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और ये जो होता है जैसे इसने बैंक से लोन लिया है तो बैंक तो इसका इंटरनल नहीं है, बाहर वाला है, बाहर आउटसाइडर है, तो उसे बोलते हैं बैंक लोन जैसे हो गया, या इसने किसी से उधार में अपना माल खरीदा है, परचेज ऑन क्रेडिट। जब परचेज ऑन क्रेडिट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं उस टर्म को? उसे बोलते हैं क्रेडिटर, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है यदि हमने स्टॉक लिया है तो, और जब हमने एसेट लिया है तो वही क्रेडिटर रहता है, उसका नाम डालते हैं। या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एडवांसेस, ने काम से पहले पैसा ले लिया लेकिन उसने काम अभी किया नहीं है, तो जब तक काम पूरा करके नहीं देगा जब तक क्या होता है इसके लिए लायबिलिटी है, और काम जब कर देगा तो काम खत्म, तो ये लायबिलिटी उसके लिए क्या बन जाए? इनकम बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में भी क्या होते हैं कुछ लायबिलिटी में, यदि इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं, हम फर्दर में क्या कर सकते हैं इसको आगे, तो पहले तो ये समझो लायबिलिटी होती है हमारी दो तरह की, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ऑनर की होती है, ऑनर कौन कौन हो सकता है पता है? जैसे इंटरप्राइज आगे, इंटरप्राइज को जब आप और फर्दर डिवाइड करोगे तो ऐसे ऑनर डिवाइड होते जाएंगे। तो यदि फर्म है, फर्म में पार्टनर होंगे ऑनर, तो ऑनर जो पैसा लगाएगा उसका होगा इंटरनल लायबिलिटी। कंपनी में जो उसका मालिक लगाता है पैसा उसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर लगाता है उसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, उसे बोलते हैं कैपिटल। उनके अलावा जितने भी आउटसाइडर है, आउटसाइडर से जो भी पैसा लेगा, यदि आउटसाइडर से हमने उधार में डील किया हुआ, क्रेडिट में डील किया हुआ है, तो सारे क्या बनेंगे? वो आउटसाइडर लायबिलिटी, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी होती है हमारे दो टाइप की होती है। तो एक सिंपल रूल याद है, जैसे हमारा जो होता है अकाउंट में एसेट इक्वल टू क्या होता है? हमारी लायबिलिटी। तो यहाँ जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी हमारी, इस लायबिलिटी के अंदर आपको दो लायबिलिटी है हमारी। तो इस लायबिलिटी को जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से, हम इसे बना सकते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये लायबिलिटी हमारे मिसलेनियस होती है, जैसे इसके अंदर ये सारे टर्म आ सकते हैं या और से भी ज्यादा आ सकते हैं, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑनर वाले पैसे आएंगे, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे इसने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया कंपनी में, फर्म में या इंटरप्राइज में, या सेकेंड टाइम, तो सारे, या इसने ड्राइंग लिया, प्रॉफिट यदि से हुआ या लॉस हुआ, ये सारे कैपिटल ऑनर्स रिलेटेड, जितने रिलेटेड टर्म वो इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसको और यदि फर्दर डिवाइड करें लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी को हम और ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है टर्म के हिसाब से कि कितने समय के लिए लिया गया। तो
यदि हम लायबिलिटी को और देंगे तो हमारी लायबिलिटी जो होती है आगे जाके, लायबिलिटी दो टाइप की हो जाती है यहाँ से भी, वो होती है, एक होती है, एक जो लायबिलिटी होती है हमारी उसे बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी एक होता है करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी, इसमें क्या फर्क है? नॉन करेंट लायबिलिटी वो होता है, देखो नाम में कुछ भी हो सकता है, यदि एडवांस भी है, यदि लोन भी है, लोन भी करेंट लायबिलिटी बन सकता है और नॉन करेंट बन सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम नॉन करेंट से करेंट या करेंट से नॉन करेंट नहीं बन सकता, वो बेसिक वो करेंट है या नॉन करेंट है वो हम वो डिसाइड करते हैं उसके टर्म को लेके कि कितने दिन में उसे हमें चुकाना है, ठीक, कितने दिन में उसे हमें पे करना है। तो जैसे नॉन करेंट है, नॉन करेंट में यदि आप सिंपल बोलो तो ये होता है मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ के लिए, 12 या 12 मंथ, ठीक है, और ये लेस देन 12 मंथ के लिए। यदि कोई भी अमाउंट हमने, यदि कोई भी अमाउंट हमने लेस देन 12 मंथ के लिए लिया हुआ है तो वो क्या हमारे लिए करंट लायबिलिटी। और यदि कोई भी अमाउंट हमने 12 महीने से ज्यादा के लिए लिया हुआ है तो है हमारी वो नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे आपने बैंक से लोन लिया वो आपको 3 महीने में चुकाना है तो क्या होगा, वो होगा हमारे लिए करंट लायबिलिटी, वो इस हेड में जाएगा। और वही यदि आपने बैंक से लोन लिया वो आपको चुकाना है 13 महीने में, 14 महीने में, 2 साल में, तो होगा नॉन करेंट, क्योंकि ये मोर देन 12 मंथ हो गया, ठीक है। कोई भी एडवांस दिया है वो आपको 10 महीने के लिए एडवांस दिया हुआ है तो नॉन करेंट है, करेंट है क्योंकि 12 महीने से कम में है, और यदि ये 12 महीने ज्यादा में होता तो नॉन करेंट। कोई भी हमने डेप्ट इशू किया है यदि वो 12 महीने से कम का पीरियड है, उसका मैच्योरिंग पीरियड है, यदि 12 से कम का है तो वो करेंट है, और 12 से ज्यादा है तो वो क्या हमारा नॉन करेंट, ठीक है। लायबिलिटी में से ज्यादा कुछ नहीं होता। दूसरा क्या, यदि और यदि इसको थोड़ा डीपली में देखे तो एक यदि जनरल बुक की लैंग्वेज में देखे तो बुक की लैंग्वेज में क्या होता है कि नॉन करेंट लायबिलिटी इट इज अमाउंट विच आर पेबल आफ्टर 12 मंथ, ठीक है। दूसरा क्या है, करंट लायबिलिटी में क्या है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ रूल लिखे हुए हैं, वो क्या हुआ है कि एनी अमाउंट विच इज पेबल विद इन 12 मंथ, पहला वो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा लिखा है कि एनी अमाउंट विच इज पेबल अंडर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी ऑफ द इंटरप्राइज। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल भी उसका क्रेडिट का पेबल इशू, पेबल टर्म होता है, क्रेडिट को कब कब चुकाता है, तो उसको उसको वो एफएम का हिस्सा है, वो हमारे वैसे 11th में है नहीं जिसको डिस्कस कर सकते हैं, तो आप ऐसे जनरल रूल याद कर लो और इतना वैसे डीपली पूछेगा नहीं, बस आप सिंपल रखो कि मोर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, ठीक है। ये आपके लिए समझ में आ गया, हम नेक्स्ट अब देखते हैं इसे, तो फटाफट इसका हम एक और रिकैप देखते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा कंप्लीट है बुक में, ये एक डायग्राम की तरह है कि आप तुरंत देखोगे चुटके में आपको समझ में आ जाएगा, सारी कंडीशन है इसके। जैसे लायबिलिटी क्या, लायबिलिटी क्या, ये इट इज एन अमाउंट पेएबल बाय इंटरप्राइज टुवर्ड्स किसको, ऑनर को या आउटसाइडर को। ऑनर को जो देगा उसे बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी, और जो और बाहर वाले देना आउटसाइडर को उसे बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। दूसरा लायबिलिटी हम डिवाइड करते हैं इसको इंटरनल और एक्सटर्नल के रूप में। इंटरनल में कैपिटल होता है, इसको कौन कौन अफेक्ट करेगा ये पता है आपको, इफेक्ट कौन कौन कर सकता है इसको, प्रॉफिट इफेक्ट करेगा इसको और लॉस। दूसरा फर्दर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी इन इंटरप्राइज बाय ऑनर, फर्दर इन्वेस्टमेंट या ड्रॉइंग लिया तो पैसा कैपिटल कम होगा। दूसरा जो है ये हो गया आउटसाइडर, जो हमने बाहर से पैसे कैसे कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से क्रेडिटर हमारे बन सकते हैं, वो इस तरीके से बैंक लोन लेके तुम्हारा क्रेडिटर बन सकता है, बैंक हमने किसी से उधार में मार लिया तुम्हारी लायबिलिटी बन जाएगी, वो उसे आउटसाइडर लायबिलिटी बोलेंगे। जैसे हमने काम करवा लिया 10,000 का, दिया हमने 8,000, 2,000 हमसे दे चुकाना है, वो हमारी लायबिलिटी है। और या हमने काम करने से पहले पैसे ले लिया तो उसको हमें बाद में चुकाना है, वो भी हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। दूसरा जो हम लायबिलिटी को और यदि फर्दर डिवाइड करें तो लायबिलिटी हमारी फर्दर डिवाइड करेंगे उससे बोलते हैं, यदि और आगे जाए तो लायबिलिटी हमारी दो टाइप होती है, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होती है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। थोड़ा साफ से दोबारा लिखता हूँ थोड़ा ध्यान से, एक होती है हमारी लायबिलिटी, एक होती है लायबिलिटी कौन सी, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी और एक होती है करेंट लायबिलिटी। नॉन क्यों क्या है, विच इज पेबल मोर देन या पेबल
आफ्टर 12 मंथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है एसेट। इससे पहले जो हमने लायबिलिटी है, लायबिलिटी और एसेट में फर्क क्या है? लायबिलिटी एंटरप्राइज को चुकाना है, पेबल है, वो देना है उसे, उस पर कर्ज है। और एसेट क्या है? एसेट फर्म के एंटरप्राइज के लिए इनकम जुटाता है, इनकम कमाता है। तो एसेट में जब भी आप जनरल में देखो तो एसेट मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे आप अपने लिए एसेट को ले, अपने अपने हिसाब से एसेट को सोचो, या इंटरप्राइज के लिए एसेट मतलब कुछ भी, वो भी जो एसेट को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है, वो उसे इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, उसे बोलते हैं एसेट। तो एसेट क्या होता है? इस एसेट पे कम इंटरप्राइज का मालिकाना हक होता है, ये उसका होता है, इसे किसी को और को देना नहीं होता। ठीक है, इस पर किसी और का क्लेम नहीं होता, इस पर पूरा टोटल राइट किसका होता है? इंटरप्राइज का। तो अब इसे बुक से लिखते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल। टेंजिबल पता है, टेंजिबल क्या होता है? जिससे हम देख सकते हैं। और एक होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे ट्रेडमार्क। टेंजिबल जैसे बिल्डिंग है, फर्म अपनी खुद की इंटरप्राइज, खुद की बिल्डिंग है। ऑन्ड बाय इंटरप्राइज, बाय एंटिटी और इंटरप्राइज। ठीक है, दे क्या है? दे आर, दे जनरेट, दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्स। They are the economic resource of entity. Economic resource क्या है? क्योंकि ये उसको future में profit कमा कर देती है, इसी से वो business, अपना business करते हैं और वो कमाते हैं। ठीक है, यदि इसको हम और आगे divide करें, जब जिस तरह liability को हमने आगे divide किया, तो liability को बनाया था हमने non current और current, तो वैसे हमारे asset भी divide होते हैं। जो हमारे एसेट होते हैं, ये भी हमारे होते हैं दो तरह के, एक होता है नॉन करेंट एसेट, एक होता है करेंट एसेट। एसेट में थोड़ा और ज्यादा से और देखते हैं, जैसे और थोड़ा आगे से इसे और फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे नॉन करेंट में लायबिलिटी में नॉन करेंट करेंट था, इसके अंदर क्या है? जैसे एसेट में नॉन करेंट के अंदर इसे और हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। ठीक है, अब जैसे सिंपल देखो, इसके अंदर भी वही रूल है कि जैसे लायबिलिटी में था कि यदि कोई भी हमारा जो करंट एसेट जो 12 मंथ जो हमें 12 महीने के अंदर कमा के पैसे दे देगा, वो हमारा है करंट एसेट। जैसे स्टॉक हम रखते हैं, वो हम रखते हैं डे टू डे बिजनेस के लिए, तो 12 महीने से पहले ही हम जैसे सेल कर देते हैं तो वो हमारा करंट है। जैसे एग्जांपल के लिए, या कोई हमें लोन, किसी को हमने लोन दिया, किसी को हमने उधार दिया, तो हमारा एसेट है, वो हमें 12 महीने पहले लौटा देगा, तो हो गया लोन करंट हो गया। अब यदि वही 2-3 साल बाद में देगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो इन्वेस्टमेंट, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पर, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम नॉन करेंट एसेट। तो जैसे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में इसके हम नीचे लिखते, क्या स्टॉक आ सकता है, जैसे इन्वेंट्री बोलते हैं, दूसरा कैश एंड बैंक आ सकता है, आता है, दूसरा बिल्स रिसीवेबल आता है। बिल्स रिसीवेबल अभी हम आप समझाएंगे, अभी आपको बिल्स रिसीवेबल हो गया,
और कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 12th मंथ से कम के लिए होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यदि हमने 12th मंथ से ज्यादा के लिए कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और एक जाए तो और तो फिक्टिटियस, ये क्या होता है फिक्टिटियस एसेट। टेंजिबल में एसेट में कौन कौन सा होता है हमारा, टेंजिबल जो एसेट होता है इसके अंदर हमारा होता है बिल्डिंग, मशीनरी, ये वो सारे जो एसेट जिसे हम छू सकते हैं, दे सकते हैं, लैंड हो गया। और इंटेंजिबल एसेट क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट सारे वो है जो जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमें इनकम कमा के देती है। जैसे हमने किसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी कंपनी में, दूसरे किसी फॉर्म में, किसी का हमने शेयर होल्डर कर रखा है, दूसरा क्या हुआ किसी ट्रेडमार्क हमारा कोई उसको छू नहीं सकते हमारी, जैसे कि गुडविल है हमारी, ठीक है, एसो वन। दूसरा फिक्टिटियस क्या होता है, ये है ना तो करेंट होता है, ना तो टेंजिबल होता है, नॉन करेंट, और ना तो करेंट होता है, ये क्या?